प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कह रहा है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक लेंस की क्षमता, जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं, एक छोटी फोकस दूरी का एक बड़ी फोकस दूरी का। आप लोग जानते होंगे बड़ी फोकस दूरी वाला अभिनेत्र होता है, छोटी फोकस दूरी वाला अदृश्यक होता है। तो जो अदृश्यक लेंस है उसकी कैपेसिटी दे रखा है यानी कि क्षमता दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, एम ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एम फॉर पावर, किसकी लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और लेंस के सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता दिया है, सूक्ष्मदर्शी की क्षमता एम 32 दे रखा है। हमसे कह रहा है अभिनेत्र लेंस की क्षमता निकालो। तो जब सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा मेरे भाई, किसकी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा, उसका जो क्षमता होता है, किसकी, सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता होती है, दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमता पता रहे, दोनों का गुणा कर देंगे तो मिल जाता है। तो एम ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की क्षमता और एम ई आई पीस की क्षमता जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको किसकी मिल जाएगी क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की मिल जाती है। और ये हमको दिया है 32, इधर हो जाएगा 8 और यम ई निकल जाएगा। यम ई बराबर निकालेंगे 8 चौका 32, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है दूर स्थित तारा आंखों से नहीं दिखाई देती है लेकिन दूरदर्शी द्वारा दिखाई देती है, क्यों, 4 ऑप्शन दिया है। इसका रीजन देखिए क्या होता है, जो दूर स्थित तारा है जब सूर्य से प्रकाश किरण उस पर तारा पड़ता है तो वहाँ से टकरा के वापिस आता है, आएगा तो हमारे आँख में जाना चाहिए, कम से कम कितनी प्रकाश किरण, 2 प्रकाश किरण, तब जाके उसका इमेज बनेगा यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारे रेटिना पर बनेगा। तो वो जो प्रकाश किरण टकरा के आता है हमारे आँख में एंट्री करेगा, हमारे आँख का डायमीटर द्वारक होता है बहुत छोटा होता है, कैसे काम करता है, एज ए उत्तल लेंस की बात काम करता है और बहुत छोटा होता है। लेकिन जो टेलीस्कोप होता है यानी कि दूरदर्शी होता है उसमें जो आगे लेंस लगा रहता है उसे अदृश्य लेंस कहते हैं, उसकी फोकस दूरी बहुत बड़ा होता है। अरे मेरे भाई, उसकी फोकस दूरी बहुत बड़ा होता है हमारे आँखों के कंपेयर में, इसलिए जो दूर स्थित तारा है वहाँ से जो प्रकाश किरण आ रहा है वो अदृश्यक पे ज़्यादा आएगा और हमारे आँखों पर कम आएगा, इसलिए अदृश्यक यानी कि जो दूरदर्शी है उसका इमेज बना देता है, वो हमको दिखने लगता है, जबकि हमारे आंखें उसका रेटिना पर इमेजें नहीं बना पाती, इसलिए नहीं दिखता है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर ज़्यादा है या फिर ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तन होगा नहीं, दूरदर्शी में अवतल लेंस यूज होता नहीं है, होता है लेकिन इस वाले केस में नहीं होता है, आँख की क्षमता कमज़ोर होती है, नहीं भाई, प्रकाश के अवशोषण के कारण, क्योंकि प्रकाश को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, कौन सा, अदृश्यक लेंस, इसलिए बड़े डायमीटर का बनाया जाता है। एक्चुअली जब